Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. This is Nida and I'm back with yet another video for all of you. आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट को मैंने इतना यूज कर लिया है कि मैं उसके बारे में आप लोग को एक फाइनल वर्डिक्ट अपना दे सकूँ. खैर ये प्रोडक्ट मैंने लास्ट ईयर अपने इंस्टाग्राम पे काफी उसके बारे में बात की. आई थिंक लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी शायद. बट या आई यूज दिस प्रोडक्ट फॉर अ कंटिन्यूस 4 to 5 months और उसके बाद फिर ये मेरे पास खत्म हो गया था. फिर कुछ अर्सा के लिए मैं नहीं ले सकती थी बट अभी मैंने उसको रीस्टॉक किया है तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से डिटेल में अपने रिव्यू प्लस ये करता क्या है ऑल दोस डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. टाइटल से आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ. इट इज द ऑर्डिनरी का AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन. सो ये इसका बॉक्स है और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स वगैरह वैसे तो मेंशन है कि ये करता क्या है और उसका तरीकाकार यूज का क्या है. लेट मी ओपन इट अप एंड शो यू गाइस कि ये अंदर से इसकी बॉटल कैसी है. दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. सो बेसिकली इस प्रोडक्ट के अंदर दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि हर जो भी स्किन केयर या किसी भी किस्म का प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत सारे XYZ जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं. लेकिन दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके अलावा एक तीसरा इंग्रेडिएंट है जो कि इतना मेजरली हाईलाइटेड नहीं है बट आई विल स्टिल टॉक अबाउट कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द टू मेजर इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहला है आपका AHA विच इज द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. यस गाइस इसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड देन BHA विच इज द बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वो इस्तेमाल होता है. सो इसका बेसिक पर्पज क्या है कि ये एक 10 मिनट्स एक्सफोलिएशन फेशियल है. Why do we call it the 10-minute exfoliation facial? वो इस वजह से क्योंकि within 10 minutes, क्योंकि आप इसको अपनी स्किन पे maximum 10 minutes के लिए apply करते हो. You can apply it for less than 10 minutes, but never ever, make sure never to exceed the 10-minute limit. AHA क्या करता है? वो सबसे आपके जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको exfoliate करता है. आपकी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है आपकी टॉप मोस्ट लेयर से. उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है इट बिकम्स मोर रेडियंट, इट बिकम्स मोर ब्राइट, ग्लो करती है या आपकी अगर फाइन लाइंस की जो कोई प्रेजेंस है तो वो उनको भी मिनिमाइज करता है बाय रेगुलरली यूजिंग इट. अब आ जाता है बात हमारे सेकेंड इंग्रेडिएंट की जो है आपका BHA. BHA क्या करता है? BHA बेसिकली आपके स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेशन करके आपके जो पोर्स हैं उनको साफ करता है. आसान जबान में वो आपके जो पोर्स होते हैं जिनके अंदर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जमा हो जाते हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं. आप मेकअप करते हो आप मेकअप प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हो वो आपके पोर्स के अंदर जमा होता जाता है. आप फेस को जो है वो प्रॉपरली क्लेंज नहीं करते हो आपकी धूल मिट्टी सब कुछ आपके चेहरे पे वो बेसिकली पहले तो आउटर लेयर पे होती है उसके बाद करते 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 वो डीपली आपके इनर लेयर्स में आपकी जो स्किन होती है उसमें वो जाना शुरू हो जाती है. और उससे होता क्या है आपके पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं उनमें वाइट हेड्स बन जाते हैं उनमें ब्लैक हेड्स बन जाते हैं वहीं से आपकी एक्नी हो जाती है वहीं से आप अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हो. Now what this BHA does is कि वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके और आपके जो कंजेस्टेड पोर्स होते हैं उनको साफ करता है. तो उससे क्या होगा कि आपके वाइट हेड्स रिमूव भी होंगे ब्लैक हेड्स रिमूव भी होंगे और फ्यूचर प्रिवेंशन भी होगी एंड सेकेंडली आपकी एक्नी प्रिवेंशन भी होगी. I do not recommend using this on active acne. कि अगर आपको एक्टिव एक्नी उस वक्त हो रही है तो उन दिनों में इसको इस्तेमाल मत करें. एक दफ़ा आपकी एक्नी सेटल डाउन हो जाए देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. एनी स्किन टाइप कैन यूज दिस, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन. लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और हमेशा आपकी जैसी भी स्किन टाइप है जो भी हो पहले अपने हाथ पे एक पैच टेस्ट ज़रूर करें. आप अपना जो हाथ होता है इसको लेके यहाँ पे इस जगह पे इसको थोड़ा सा लगाएं एंड उसको थोड़ी वही 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें वॉश इट ऑफ एंड देन टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको ऑब्जर्व करें कि आपकी स्किन पर किसी किस्म का रिएक्शन तो आपको नहीं हुआ इससे. और अगर आपको लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट फाइन देन गो अहेड एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. अच्छा ये तो हमने बात कर ली कि AHA सेपरेटली क्या करता है और BHA सेपरेटली क्या करता है. लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं 30% इसमें AHA है और 2% इसमें BHA है तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ AHA प्लस BHA क्या करता है तो आपका अगर टेक्स्चर्ड स्किन का इशू है तो वो आपका टेक्स्चर रिमूव हो जाएगा जो कि मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्किन जितनी स्मूथ होगी उतना अच्छा मेकअप आपकी स्किन पर बैठेगा. तो अगर आपको टेक्स्चर का इशू है तो ये उसको क्लियर अप करेगा फाइन लाइन्स को आपकी इम्प्रूव करेगा आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह को मिनिमाइज कर देगा
आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो एनहांस करेगा, उसको ब्राइट करेगा, उसको ग्लोई बनाएगा, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। वो एक कहते हैं ना कि जी यार उसके चेहरे पे बड़ा नूर था, तो वो नेचुरल नूर आपके चेहरे पे जो है वो ये ऐड, कोई भी ब्लेमिशेस हैं उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है। उसके अलावा अगर आपके अनइवन स्किन टोन है उसको ये बेहतर करता है, अगर आपके एक्नी स्कार्स मार्क्स वगैरह हैं उनको मिनिमाइज करेगा। सो ये सब कुछ जो है वो ये करता है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये पता हो कि ये एक दफ़ा के यूज़ करने से नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया और आपको कि आपकी ज़िंदगी के मसले सारे सॉल्व हो जाएंगे, आपकी स्किन चमकती धमकती हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू यूज़ इट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस इज़ कि मैंने इसको यूज़ किया है 4 to 5 months और मैंने उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है। फाइन लाइन्स स्पेशली आर वेरी लाइक फाइन लाइन्स और टेक्सचर हटाना आपकी स्किन से बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो उसके लिए या इवन अगर आपका ये मार्क्स और स्कार्स हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा जो है लंबा काम होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक तरीके से कंटिन्यूसली इसको आप यूज़ करें। खैर, इस प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने एक और चीज़ जो ऐड की है, दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अ टैस्मेनियन पेपर बेरी। उससे होता क्या है, वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, प्लांट से डराइव होता है, लेकिन वो करता क्या है कि वो बेसिकली एक उसकी सूदिंग और कामिंग फीचर्स हैं। वो आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर जो बेसिकली एसिड्स आप जब अपने स्किन पे लगाते हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं आपकी स्किन को, तो उस इरिटेशन को काम डाउन करने के लिए और सूद करने के लिए जो है वो ये पेपरबेरी इसके अंदर ऐड किया जाता है। और ये जो इसके अंदर रेड कलर है वो भी उसी की वजह से है। तो एट टाइम्स अगर आप कभी देखोगे तो आपका एक बॉटल का दूसरे बॉटल से स्लाइट सा कलर का फ़र्क होगा, दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज नॉट द बॉटल एग्जैक्टली बट द इंग्रेडिएंट इनसाइड द बॉटल, वो इस वजह से बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंग्रेडिएंट और वो कलर का वेरिएशन थोड़ा सा हो जाता है। दीज आर द 3 basic things जो कि मुझे लगता था कि इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये मेजर 3 इसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स हैं। ओके, सो ये बेसिक आप लोगों को मुझे शेयर करना था बिफोर आई डाइव इन टू द यूजेज एंड एवरीथिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो अब आप लोगों को पता चल गया है कि वट एन ए एच ए डज, वट अ बी एच ए डज एंड वट इज द पर्पज ऑफ द टैस्मेनियन पेपरबेरी दैट इज अवेलेबल इन दिस प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, दिस इज हाउ इट इज। सो अब हम इसको लगाते हैं अपने फेस के ऊपर। बेसिकली आप यूज करते हो एज अ मास्क ऑन योर फेस, तो इसको लगाने के लिए आप जस्ट टेक अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑन योर फेस एंड देन रब इट इन विद योर हैंड। ओके सो गाइस, इसको मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया है और अब 10 मिनट के लिए मैंने टाइमर अपने फ़ोन पे लगा दिया है और उसको छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद इसको मैं अपने फेस से रिमूव कर लूँगी। और अगेन आई विल मेंशन दिस कि मेक श्योर आप 10 मिनट से ज़्यादा इसको अपने चेहरे पे मत रखें। ऑल्सो अपने इस आई एरिया को अवॉइड करें, अगर खुदा ना खास्ता या आँखों में चला गया तो इट इज़ टेरेबल, तो अवॉइड इट, अवॉइड अप्लाइंग इट नियर और वेरी क्लोज टू योर आइज। और बस अब हम इसको लगे रहने देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हाउ माई फेस लुक। सो गाइज, द 10 मिनट्स आर अप और अब हम करेंगे इसको रिमूव। ओके गाइज, सो मैंने कर लिया है इसको रिमूव एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स। लेट मी मैंशन एक बात कि जब आप इसको अपने फेस पर लगाते हो एक स्लाइट सी टिंगलिंग सी सेंसेशन आपको ज़रूर फील होगी। इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, इट्स नॉट समथिंग जो आपको कहे यार ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बाई द वे गाइज, माई स्किन फील्स सुपर स्मूथ, सुपर सॉफ्ट राइट नाउ। आई डोंट नो आप लोग कैमरे में देख सकते हो या नहीं, बट आई कैन फील माई स्किन ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। मतलब ये जगह जो हाई पॉइंट्स होते हैं जो नेचुरली ग्लो करते हैं, लाइक दे आर ग्लोइंग। बट ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट मी यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जनरली नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन आज मैंने ये प्रोडक्ट कोई आई थिंक 6 महीने बाद यूज़ किया है, बिकॉज मेरी जब पिछली बॉटल ख़त्म हुई थी उसके बाद जस्ट नाउ आई गॉट माई न्यू बॉटल। तो उस लिहाज से मैंने क्योंकि बहुत अरसे बाद यूज़ किया है तो आप इसको कह सकते हो कि काइंड ऑफ द फर्स्ट टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बाद दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक मॉइस्चराइजिंग योर स्किन आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज
इट डज मेक योर स्किन लिटिल ड्राई. हालांकि मेरी बहुत एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत बहुत एक्सट्रीम किस्म का ड्राई नहीं करता स्किन को, लेकिन स्टिल इट विल ड्राई योर स्किन डाउन अ लिटिल बिट. तो आपने कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपको लगता है वो यूज़ करना है. और दूसरा, अवॉइड गोइंग इन टू द सन. इसलिए बेहतर ये है कि ये रात के टाइम आप करें अपनी स्किन केयर में ऐड, यानी कि जब आप रात को सोने से पहले कर लें, या यू नो व्हेन यू नो कि आप बाहर नहीं निकलने वाले, आप तक आपकी स्किन थोड़ी सी वल्नरेबल होती है टू सन बर्न. सो इसलिए इट्स बेटर टू यूज़ इट इन द इवनिंग. और अगर आप इसको इवनिंग में नहीं, दिन में यूज़ करते हो, या अगर आपने इवनिंग में भी यूज़ किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑनवर्ड्स अप टू वन वीक मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ. अब अगले हफ्ते आप इसको फिर दोबारा यूज़ कर लोगे, तो देन तो सनस्क्रीन तो आपने वैसे ही अपनी स्किन में लगानी ही लगानी है एट ऑल टाइम्स. तो बट विद दिस यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपने जो है वो बिल्कुल सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और इसको अपने फेस के ऊपर सनस्क्रीन फ़ौरन ज़रूर लगा लेनी है. सो अभी मैं मॉइस्चराइजर लगाने के लिए क्या कर रही हूँ कि आई एम गोना गो अहेड विद माय शीट मास्क. मैं अभी जो है वो अपने चेहरे पे शीट मास्क लगाऊंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डायरेक्टली विद एनी अदर मॉइस्चराइजर, क्योंकि शीट मास्क तो वैसे भी इट मेक्स योर स्किन यू नो डीपली, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है और नरिश कर देता है. इसको मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी फॉर 10 to 15 minutes एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, एंड आखिर में आई एम गोइंग टू टॉप अप माई स्किन विद अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन. मॉइस्चराइज भी हो गई है, और अब फाइनल स्टेप है वो है हमारा सनस्क्रीन. सनस्क्रीन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये लॉरियल का यूवी परफेक्ट सुपर एक्वा एसेंस फ्रेश हाइड्रेटिंग यूवी वाटरी जेल. ये एसपीएफ 50 है एंड आई लव दिस सनस्क्रीन नाउडेज. दिस इज़ ऑल्सो अ हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन. इट्स परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन, या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए. बट आपको जौन सी भी सनस्क्रीन सूट करती है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से. सो माई स्किन इज ऑल सेट नाउ. माई स्किन फील्स सुपर स्मूथ, सुपर ग्लोई और बहुत कंफर्टेबल. और पता नहीं एक हल्का सा बोझ लगता है आपकी स्किन के ऊपर से जो ना वो उठ गया है आफ्टर यूजिंग द पीलिंग सॉल्यूशन. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आप लोगों को इस तरह की स्किन केयर वीडियोज़ जिसमें मैं एक सर्टन स्किन केयर प्रोडक्ट पे फोकस करूँ और उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊँ, गाइड करूँ, तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ पसंद हैं और चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करूँ, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और आप लोगों के लिए पोस्ट कर सकूँ. और इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक. एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit that bell icon so that every time that I upload a video you guys are notified. So thank you so much for watching, and do let me know if you use this and what do you think about it, what are your reviews about it, what are your perceptions about it, mujhe zarur batayega. And yeah, I love you all, take good care of yourself. I love this.